दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीआरडीओ कैंप टेम 10 के जो फॉर्म निकाली गई है, जो बहाली निकाली गई है अलग अलग पदों के लिए, जिसके लिए कैसे आपको फॉर्म फिलअप करनी है, जिसकी पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि ये बहाली जो है करीब 1901 पदों पर रखी गई, जिसके लिए अगर आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, आईटीआई है, साथ ही डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसका ऑनलाइन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। सारी जानकारी हमने ऑनलाइन अपडेट stm.in के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है, तो आप जाकर सारी जानकारी पढ़िएगा। लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें ये बहाली जो है 23/9/2022 तक चलेगी। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर पाएंगे। फी के बारे में बात कर ले तो जनरल वाले जो भी कैंडिडेट है 100 रुपये देने होंगे। एससी एसटी पीएच वाले जो कैंडिडेट है, कोई पैसा आपसे नहीं ली जाएगी। सैलरी भी काफ़ी बेहतरीन रखी गई, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया गया, वैकेंसी का डिटेल है, और साथ ही जो दो पोस्ट अलग अलग रखे गए, जैसे टेक्निकल ए का जो पोस्ट है, जिसके लिए अगर कोई कैंडिडेट 10वीं पास है और आईटीआई कर रखा है तो आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का जो पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है तो आप अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। डायरेक्ट हमने इम्पोर्टेंट लिंक में आपको लिंक दे दिया है रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन अप्लाई करने का, इस पर क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट करेगा आपको इसके वेबसाइट पर, जहाँ पर सबसे पहले अगर आप पहली बार आते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पे सारे शेड्यूल है, कब आपका क्या होगा, परीक्षा कब होगी, जिसकी भी यहाँ पे बताई गई कि बहुत जल्द आपको इसको अपडेट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक है न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो सारी जानकारी को आपको बारीकी से समझना होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना होगा, उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करना होगा, फिर आपका क्वालिफिकेशन को अपडेट करना होगा, पोस्ट का प्रेफरेंस आपको देना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर आपको इसका प्रीव्यू देखना होगा, फिर आपको पेमेंट करना होगा और फिर आपको फाइनल सबमिट करना होगा। आइए जानते हैं इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे आप कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी पूरी जानकारी समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का पूरा नाम, यानी आपका जो भी नाम है 10वीं के मार्कशीट के अनुसार ही डालेंगे, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। उसी नाम को दोबारा पुष्टि करना है तो कन्फर्म करना है। जो भी अगर आपके पास मोबाइल नंबर अवेलेबल है और नंबर को डालेंगे, वही नंबर को दोबारा आपको डालना है, साथ ही ईमेल आईडी को डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, और वैकल्पिक तौर पे यानी अगर अल्टरनेट नंबर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। नीचे आना है, कैप्चा को आपको डालना है, साथ ही यहाँ पर राइट साइड में आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट होता है और आपके जो नंबर है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाता है। अब आपको लॉगिन आईडी में जो आपके मोबाइल नंबर पे भेजा गया होगा, जो आपने ईमेल आईडी डाला था, वो ईमेल आईडी आपका यूजर आईडी होता है, पासवर्ड आपको मिल गया होगा, उसको डालकर कैप्चा को डालकर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको पासवर्ड को अपडेट करना होगा, जैसे करेंट पासवर्ड आपके नंबर पे भेजा गया होगा वो पासवर्ड आप डालेंगे, साथ ही नए पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको डालेंगे, उसको कन्फर्म करेंगे, कैप्चा को डालकर अपडेट करेंगे। ध्यान रखेंगे पासवर्ड जब भी आप बनाएं तो उसमें एक बड़ा अक्षर दे, एक छोटा अक्षर दे, साथ ही एक अंक दे, एक सिंबल दे, इस प्रकार का पासवर्ड क्रिएट करें, ताकि आपका पासवर्ड 100% कंप्लीट हो पाए। इस प्रकार आपका पासवर्ड चेंज होता है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपके सामने जो फॉर्म है, जिसके लिए जो भी गाइडलाइन है उसकी सारी सूचना आपको देखने को मिलता है, कि आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटो हुआ 30 दिनों का अंदर का लिया गया होना चाहिए, साथ ही वो सफ़ेद बैकग्राउंड पे होना चाहिए, उसमें आपके चेहरा स्पष्ट मेंशन होनी चाहिए, जिसकी जो साइज रहेगी 1540 के भी होगी, जिसकी डायमेंशन भी बताया गया कि लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, और फॉर्मेट क्या होगा। हस्ताक्षर का भी यहाँ पे बताया गया कि सफ़ेद कागज़ पे होने चाहिए, नीले या काले बॉल पेन से आपका सिग्नेचर होनी चाहिए, जिसका साइज 1540 के भी होनी चाहिए। 10वीं का जो भी आपका मार्कशीट है, जिसका भी अपलोड करने का लिए बोला गया कि 50 से 100 के भी होगा, उसके अलावा भी जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा उसका साइज 15 से आपको 100 के भी होगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले जो ऑप्शन मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक ऑप्शन मिलता है न्यू एप्लीकेशन, जिस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे आ जाएंगे, जहाँ पे बेसिक डिटेल आपको डालनी है। सबसे पहले पोस्ट आपको सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे। साथ ही आपका जो भी विषय होगा, यहाँ पर
देखेंगे, जैसे ये जो पद है जिसमें 10वीं पास होगी और उसके अलावा आपके पास आईटीआई होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आपने सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट का पोस्ट सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार का जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा कि इसके अनुसार जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसका मापदंड आप पूरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे एस वाले पे क्लिक करेंगे, नीचे आना है, बोला जा रहा है आपसे। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ बोला जा रहा है कि बीई बीटेक इस प्रकार का अगर आपने किया है तो आप बता सकते हैं, या परसुइंग है वो कर रहे हैं तो बता सकते हैं, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। आप नीचे आएंगे, आपका जो भी कैटेगरी होगा सेलेक्ट करेंगे और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मान लीजिए आप बीसी से आते हैं तो बीसी क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, तो सर्टिफिकेट नंबर आपको बतानी होगी अगर आपने बनाया है तो, कब इशू हुआ था वो डेट भी आप मेंशन करेंगे, साथ ही आपका सब कास्ट कौन सा है वो बताएंगे और स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने ये बनवाया है वो आप डिटेल बता सकते हैं। कोई अगर दिव्यांग कैंडिडेट है इस फॉर्म को डाल रहे हैं तो एस करके उसकी जानकारी बताएंगे, अगर दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नो वाले पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कुछ डिटेल जो है दिव्यांग कैंडिडेट को ही डालना है, जैसे दिव्यांग है तो उनका जो सर्टिफिकेट नंबर है तो वो सब एस करेंगे, तो ये सभी जानकारी को आपको डालना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, देखेंगे कि आप अल्पसंख्यक है माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो एसएनओ में बता सकते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, है तो उस कब ज्वाइन किए थे, कब आपने डिस्चार्ज किया, उसकी पूरी जानकारी आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी। नीचे जब आप आएंगे यहाँ पे बोला जाता है डिफरेंट सर्विस पर्सन है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो अगर इस प्रकार के है तो आप बताइए, अन्यथा नो करिए, स्पोर्ट पर्सन है तो बता सकते हैं, अन्यथा नो करेंगे। जो आप पे एप्लीकेबल नहीं है उस चीज़ को ध्यान रखें, वहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। जम्मू कश्मीर का जो ऑप्शन है जिसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो उसकी जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप एक सरकारी सेवक है, एस नो में आप बताएंगे, तो मोस्टली में यहाँ पे आपको नो ही होगा क्योंकि एक फ्रेशर कैंडिडेट है तो उनको ये सब डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पहचान पत्र के रूप में आपको कोई एक आईडी देना होगा, जो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इस प्रकार का है, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आईडी कार्ड नंबर डालेंगे, आपका नेशनलिटी सेलेक्ट होगा। उसके बाद नीचे आना है आपको, नीचे आने के बाद आपका जो कोई शरीर में ऐसा कोई पहचान चिन्ह है उनकी जानकारी बता सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क्स आप मैंसन कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। नीचे आपको आना है शारीरिक मापदंड में, जैसे आपका जो हाइट है कितने सेंटीमीटर है उसकी जानकारी बताएंगे, साथ ही आपका वेट कितना केजी है उसकी जानकारी आपको बताएंगे, और यहाँ पे देखेंगे जो भी एग्ज़ाम के लिए सेंटर बनाया गया होगा उसका प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है कि आप कहाँ कहाँ चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंग जहाँ भी देना चाहते हैं उसको इस प्रकार तीन प्रेफरेंस देना है। अब यहाँ से आपका व्यक्तिगत जानकारी आती है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलेंडर मिलता है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे मेंशन करेंगे, साथ ही आपका जो उम्र कितना हो रहा है वो आपको देखने को मिलेगा, जेंडर पर अपना बताएंगे, पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालेंगे, ये सभी जानकारी क्लियर लिखा हुआ है कि 10th के मार्कशीट के अनुसार ही डालें। आपका जो भी करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जैसे विलेज, पोस्ट, आपका सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, आपका स्टेट जो भी है, यहाँ से सेलेक्ट करें और पिन कोड को डालें। किसी का करस्पॉन्डेंस और परमानेंट दोनों सेम है तो टिक आउट करेंगे, ये ऑटोमेटिक दोनों फिलअप हो जाएगा। आपको नीचे आना है, यहाँ पे जो भी इनका टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये एग्री करना होगा, और इसके लिए जो पेमेंट है आपको 100 रुपये का करना होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर आपका डिटेल वेरीफाई किया जाएगा और एक ऑप्शन मिलेगा 7 एक्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका डिटेल वैलिडेट होता है, ओके पे क्लिक करेंगे और 7 एक्ट पर जो आइकन है जिस पर आपको क्लिक करना है। अब अगला डिटेल आपका क्वालिफिकेशन आता है, जो भी क्वालिफिकेशन है, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10th की जो भी पढ़ाई किया है उसका जो भी रोल नंबर आपको मिला होगा उसको डालेंगे, साथ ही आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम डालेंगे, और आपने कब उत्तीर्ण किया है उसकी जानकारी यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर डालेंगे। आपको कुल कितना अंक यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुल प्राप्तांक यानी कितना नंबर मिला है उसकी जानकारी आप बताएंगे। उसके बाद आपका जो CGPA में अगर आया होगा तो उसकी जानकारी बताएंगे, अगर आपका टोटल अधिकतम अंक जितना का भी हुआ होगा एग्ज़ाम उसकी जानकारी बताएंगे, टोटल CGPA बताएंगे, और यहाँ पे देखेंगे आप अगर आपका परसेंटेज में है तो कुल कितना परसेंटेज आपका नंबर है उसकी जानकारी बताएंगे। इसी प्रकार कोई कैंडिडेट ITI 10th के बाद किए हैं तो उसकी जानकारी बताएंगे कि ITI आपने जो किया है किस रोल नंबर क्या है उसका, कौन से इंस्टीट्यूट से किया या किस बोर्ड से किया, क्या वृद्धि रहा था ITI का, उसका जो भी उत्तीर्ण होने का तिथि है वो बताएंगे, साथ ही आपका
कितना नंबर मिला है और टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ, कितना परसेंट है, ये जानकारी आप यहाँ से बता सकते हैं। नीचे आएंगे, इसके अलावा भी आपने कुछ जानकारी डाला है तो वो बता सकते हैं, अन्यथा एक ऑप्शन आपको मिलता है वैलिडेट एंड डिटेल का, जिस पे आप क्लिक करेंगे। अगर कोई और डिटेल आपको ऐड करना है तो ऐड मोर का ऑप्शन है, जिससे ऐड करेंगे और सेवन नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका ये डिटेल सेव होता है, ओके वाले पे क्लिक करें, सेवन नेक्स्ट वाले पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपको रिडायरेक्ट करेगा डॉक्यूमेंट वाले पे, जहाँ पे आप देखेंगे आपका जो प्रेफरेंस का ऑप्शन है, प्रेफरेंस में आपको बताना है। यहाँ पे देखेंगे तीन ऑप्शन है, इसमें से जो भी प्रेफरेंस आप एक नंबर के तौर पे देना चाहते हैं उसको यहाँ से ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और सेकंड में जिसको भी चुनना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे, और थर्ड में जिसको भी चुनना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट योर डिटेल, जिस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है सेवन नेक्स्ट का, जिस पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार आपका जो पोस्ट का प्रेफरेंस है वो भी ऐड होता है। अब आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में, जहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसका साइज 15 से 40 KB होगी, और सिग्नेचर का जो साइज है 15 से 40 होगा, और उसके बाद आपका जो भी आयु प्रमाण पत्र है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, चाहे वो 10th का मार्कशीट है उसमें मेंशन है तो उसको अभी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपने ITI का जो भी क्वालिफिकेशन लगाया है वो ITI को मार्कशीट अपलोड करेंगे, ये कैप्चा को डालेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है सेवन नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू में सभी जानकारी को आपको देख लेना है, सारा जानकारी सही हो। नीचे में आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक्सेप्ट करना है, और एक ऑप्शन मिलता है फाइनल सबमिट का, जिस पर क्लिक करेंगे। ओके वाले पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, कैप्चा कोड डालना है, और सबमिट वाले जो ऑप्शन मिलता है जिस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करेंगे। आपके सामने पेमेंट गेटवे खुलेगा, जहाँ पे आप पेमेंट आप काफ़ी सारे ऑप्शन से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से करना चाहते कर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो इस प्रकार इस फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे, जिसकी पूरी जानकारी हमने बताया, और सारी जानकारी इस वेबसाइट पे भी मेंशन है, आप आकर पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।